रोहित शर्मा ने 6 छक्के और 6 चौके जमाकर बनाए 85 रन, अकेले ही बना डाले ये 5 रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम ने राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेले गए दूसरी T20 मैच में गुरुवार को बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। बांग्लादेश से मिले 154 रनों के लक्ष्य को भारत ने 4 ओवर में शेष रहते 2 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारतीय क्रिकेट टीम की इस जीत में रोहित शर्मा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को आसान जीत दिलाई। रोहित ने इस मैच में 43 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्के की मदद से 85 रनों की पारी खेली और अकेले ही 5 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। रोहित शर्मा ने सुरेश रैना को छोड़ा पीछे। रोहित शर्मा इस मैच में 72 रन बनाने के साथ ही T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर दूसरे बल्लेबाज बन गए। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली नंबर पर हैं, जिन्होंने 257 पारियों में 8,556 रन बनाए हैं, जबकि रोहित शर्मा 307 पारियों में 8,406 रन बना चुके हैं। वहीं तीसरे नंबर पर मौजूद सुरेश रैना के खाते में 303 पारियों में 8,392 रन हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शिखर धवन हैं और पांचवें नंबर पर MS धोनी। रोहित ने 6 छक्के ठोककर रचा इतिहास। रोहित शर्मा ने इस मैच में 6 छक्के लगाए, इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस साल क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 66 छक्के लगाए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने यह रिकॉर्ड लगातार तीसरे साल बनाया है। इससे पहले वे 2017 और 2018 में भी एक कैलेंडर ईयर में क्रिकेट के तीनों प्रारूप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने थे। ब्रेडम मैकुलम के छक्कों की बराबरी। रोहित शर्मा ने इस मैच में 6 छक्के लगाने के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले न्यूजीलैंड के ब्रेडम की बराबरी कर ली है। रोहित और मैकुलम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 398 छक्के लगाए हैं और वह सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इस लिस्ट में वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल नंबर 1 पर हैं, जिन्होंने 534 छक्के लगाए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद शाहिद अफरीदी, जिसने 476 छक्के जमाए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज्यादा रन 85 रनों की पारी के साथ ही रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 10 मैचों में 450 रन बनाए हैं। रोहित से पहले जिम्बाब्वे के बल्लेबाज हेमिल्टन ने 377 और परेरा ने 365 रन बनाए थे। रोहित का 100वां T20 इंटरनेशनल मैच, यह रोहित शर्मा का करियर का 100वां T20 इंटरनेशनल मैच था और वह कारनामा करने वाले भारत के पहले व दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित से पहले सिर्फ पाकिस्तान के शोएब मलिक ने 100वां इंटरनेशनल T20 मैच खेला है। शोएब मलिक ने 111 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। रोहित शर्मा ने इसके साथ ही पाकिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 99 T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं। रोहित के बाद भारत की ओर से सबसे ज्यादा T20 MS धोनी ने खेले हैं। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।